Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to give you introduction of Horace, who was a Roman critic and he was inspired by Aristotle. So friends, before beginning this lecture, I want to inform you that I have already made many lectures on Aristotle, including Aristotle's famous work Poetics. So friends, I recommend you to please visit my channel's playlist and take a look at all my previous lectures. Now in this lecture, I am discussing about Horace. So Horace lived at the time of Augustus Caesar. So जिस समय Augustus Caesar रोम को रूल कर रहे थे उस टाइम पर Horace रहते थे रोम में. Then Caesar and his courtier patronize art. So Caesar and उनके courtiers यानी उनके court में रहने वाले courtiers उन्होंने क्या किया था, art को patronize कर लिया था. यानी art को जो है सभी तरह की art forms को जो है own कर लिया था. यानी इन्हीं के orders पर जो है आर्टिस्ट आर्ट प्रोड्यूस करते थे. सो इस सेंस में लिखा गया है सीजर एंड हिज कोटियर पेट्रोनाइज आर्ट. सो आर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग्स नहीं आती हैं, उसके अंदर म्यूज़िक भी आता है, लिटरेचर भी आता है, साथ ही साथ पोइट्रीज भी आती है. सो ये सारी जो है आर्ट है, एक तरह की कला है. सो सीजर एंड हिज कोटियर पेट्रोनाइज आर्ट, दे गिव मनी टू द आर्टिस्ट इन ऑर्डर टू मेक आर्ट. सो सीज़र क्या करते थे उस समय पर, आर्टिस्ट को पैसे दिया करते थे जिसके बदले में आर्टिस्ट जो है मतलब सीज़र के ऑर्डर पर आर्ट को प्रोड्यूस किया करता था. आर्ट अलग अलग तरह की आर्ट फॉर्म्स को प्रोड्यूस किया करता था आर्टिस्ट. देन जिस समय पर हॉरेस रोम में रहते थे सो उस समय को बोला जाता है एज ऑफ पीस, क्योंकि उस समय पर जो है वॉर्स हुए नहीं थे, इसलिए बोला जाता है एज ऑफ पीस. देयर वॉज नो वॉर्स हैपनिंग. All the men turned their attention to the literature, building good literature. फिर सब लोगों ने क्या किया कि अच्छी लिटरेचर को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था. देन देर वॉज एन अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म. कि अपसर्ज का मतलब क्या होता है, राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म. सो उस समय क्या हुआ कि रोम के अंदर जो है रोम के लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग्स इवोक होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ वहाँ के लोगों को ये मतलब वहाँ के लोगों के लिए ये ज़रूरी हो गया कि मतलब एक ऐसी तरह की वर्क को प्रोड्यूस किया जाए जो कि ग्रीक राइटर्स को भी मतलब पीछे छोड़ती हो. सो देर वॉज एन अपसर्ज ऑफ नेशनलिज्म इन रोम एंड नीड वॉज फेल्ट टू एक्सेल द ग्रीक मास्टर्स. कि मतलब रोम के लोग इस तरह से फील करने लग गए थे कि एक मतलब इस तरह की आर्ट को प्रोड्यूस किया जाए, यानी इस तरह की मतलब वर्क को क्रिएट किया जाए लोगों द्वारा, कि और ऐसा वर्क हो जो कि ग्रीक राइटर्स के भी वर्क से ज़्यादा अच्छा हो. सो there was an upsurge of nationalism in Rome and a need was felt to excel the Greek masters. Then the entire Rome thought of excelling the Greek masters. कि उस समय क्या था कि रोम के राइटर्स जितने भी थे उन वो सब ऐसा सोचने लग गए थे कि एक मतलब इतना ब्रिलियंट वर्क प्रोड्यूस किया जाना चाहिए जो कि ग्रीक मास्टर्स यानी ग्रीक राइटर्स के वर्क से भी बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा गुना अच्छा हो. दिस नेशनलिज्म लेड टू रिवाइवल ऑफ ग्रीक क्लासिसिज्म इन रोम. फिर क्या हुआ, जैसे ही नेशनलिस्ट फीलिंग्स इवोक होने लग गई लोगों के अंदर, रोम के लोगों के अंदर जैसे ही नेशनलिस्ट फीलिंग्स इवोक होने लगी, सो उसके साथ साथ क्या हुआ, ग्रीक का जो क्लासिक लिटरेचर था उसमें भी हम देखते हैं रिवाइवल आने लगा. यानी ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर के वर्क्स थे वो भी जो है रोम के लोग पसंद करने लग गए थे. सो कहने का मतलब ये है कि रोम के लोगों के अंदर जब नेशनलिस्ट फीलिंग्स इवोक हुई तब क्या हुआ, साथ ही साथ एक मतलब ग्रीक वर्क्स जो है मतलब रोम के लोग ज़्यादा पढ़ने लगे. देन टाइम व्हेन ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर वॉज वाइडली रीड. एंड ये वो टाइम था रोम के अंदर, ये वो टाइम था जब ग्रीक लिटरेचर को, ग्रीक क्लासिकल लिटरेचर को जो है लोग ज़्यादा पढ़ने लग गए थे. देन नंबर ऑफ इन्फीरियर पोइट्स ऑफ रोम कॉल्ड एज पोइटस्टर्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि मतलब जितने भी रोम के अंदर इन्फीरियर पोइट्स हैं उन्हें बोला जाता है पोइटस्टर्स. प्लीज़ रिमेंबर दिस, पोइटास्टर्स. दे वर टर्निंग टू इन्फीरियर वर्ड्स विच वॉज करप्टिंग एंड डिग्रेडिंग द पब्लिक टेस्ट. कि इनको पोइटस्टर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है
अपनी पोएम को क्रिएट करते वक्त इन्फीरियर वर्ड्स का यानी इन्फीरियर वर्सेस का यूज़ करते थे, जो कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के टेस्ट को करप्ट और डिग्रेड कर रहा था। सो ऐसे लोगों को, मतलब रोम के ऐसे इन्फीरियर पोइट्स को बोला जाता है पोइटस्टर्स। देन फिर जो है हॉरिस आए, जो कि अपने साथ जो है एक अच्छी लिटरेचर को जो है मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया रोम के अंदर। देन हॉरिस केम, व्हाट इट मींस टू बी राइटिंग अ गुड लिटरेचर और गुड पीस ऑफ राइटिंग, कि जैसे ही जब रोम के अंदर हॉरिस की मतलब आ जाते हैं, तब जो है रोम के अंदर जो है एक अच्छी लिटरेचर का जो है मतलब लिखनी शुरू की शुरुआत हो जाती है। सो जैसे ही हॉरिस रोम में आ जाते हैं, तब क्या होता है अच्छे और भी अच्छे जो है लिटरेरी वर्क्स जो है प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जो कि ग्रीक वर्क से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो कि उनके वर्क्स को भी एक्सेल करते हैं। देन फ्रेंड्स, अब मैं कुछ वर्क्स बताऊंगी जो कि हॉरिस द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहला सेटायर्स है, सेकंड इपोड्स है, थर्ड क्या है ओड्स, जो कि हम जो है ओड्स क्यों लिखे जाते हैं, ताकि हम जो है कॉमन इवेंट्स को सेलिब्रेट कर सकें, जैसे हम किसी भी फ्रेंड को विश करते हों, या फिर किसी की हैप्पी जर्नी की कामना करते हों, या फिर हम किसी के सामने ड्रिंक को जो है रख रहे हों, सो इसलिए जो है ओड्स लिखी जाती थी। देन हॉरिस ने एपिस्टल्स लिखी, एंड जो सबसे फेमस वर्क जो है जिसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगी, उसका नाम है आर्ट्स पोएटिका। सो इसको मैं डिटेल लेक्चर बनाऊँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। And now friends, this lecture ends here. So please friends, don't forget to like, share, comment and subscribe. Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for listening.